लास्ट क्लास में हमने मटेरियल चैप्टर स्टार्ट किया था और मटेरियल में हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में हमने ये भी देखा था तो निकालते क्यों हैं, उसका फॉर्मूला क्यों बना, किस तरीके से उसका कैलकुलेशन होगा, सारी चीज़ें और कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमने क्वेश्चंस भी देख लिए उसमें। ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए अब लेवल ऑफ इन्वेंट्री की बात करते हैं। सबसे पहले लेवल का मतलब क्या होता है, दुकान में हमारे बिजनेस के अंदर या दुकान में मान लो सिंपल सी बात, सामान जब रखते हैं तो कब हमें ऑर्डर कर देना चाहिए, एक लेवल होगा कि भाई आप दुकानदार को देखोगे अगर कोई सामान किस हिसाब से बिक रहा है उसे डेली का अंदाज़ा होता है। तो एक उसने देखा कह रहे ये दो पीस ही बचे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, इसे जाके ले आना चाहिए, नहीं तो कस्टमर क्या होगा वापस चला जाएगा, यही होता है। तो वो क्या लेवल कैसे डिटरमाइन करे, क्योंकि छोटे व्यापार में तो आप गिन सकते हो लेकिन जिनके इतने सारे ब्रांचेज हैं तो वो तो ट्रेंड के हिसाब से निकालते हैं लेवल, और ट्रेंड में यहाँ पे ये काम आता है, इसके अकॉर्डिंगली देखते हैं पिछली बार का अगली बार का और उसके हिसाब से बोलते हैं हमारे गोडाउन में इतना सामान होना चाहिए, अगर इतना सामान नहीं हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो उस लेवल का यानी इस कॉन्सेप्ट में क्या सिखाया जा रहा है कि आपके गोडाउन में कितना सामान एनी टाइम पे होना चाहिए, अगर इससे कम हुआ तो क्या स्टेज होगा, इससे ज़्यादा हुआ तो क्या रहेगा, और कब डेंजरस लेवल के जोन में आ जाओगे। तो सबसे पहले तो है एक रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर का लेवल का मतलब है कि आपने आपसे मैंने मान लो 1000 यूनिट मंगवाया, 1000 किलो यूनिट मंगवा लिया, ख़त्म होने वाला है, मैं आपको फ़ोन करके दोबारा मंगवाऊंगा तो इसका मतलब मुझे दोबारा ऑर्डर करना पड़ेगा। तो पहली बार ऑर्डर नहीं, उसके बाद जब आप ऑर्डर करोगे तो उसको क्या बोला गया, रीऑर्डर लेवल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम ना ROL इस चैप्टर के अंदर बुक वाले कभी नहीं बोलते और एग्जामिनर कभी नहीं बोलता कि इसको ROL लिखें आप, लेकिन मेरे पास स्पेस कम होगा तो जितने भी क्वेश्चन करूंगा वहां पे ROL लिखूंगा, तो आप समझ जाना उसका मतलब क्या है हमारा रीऑर्डर लेवल। फॉर्मूला क्या कहता है, मैक्सिमम यूसेज आप रीऑर्डर लेवल और मैक्सिमम टाइम। अब सर यहां पे वर्ड है कि मैक्सिमम यूसेज क्या है, आपका मैक्सिमम यूसेज पूरे साल के दौरान में या वीकली या मंथली जिस हिसाब से डेटा हमें अवेलेबल है कितना मैक्सिमम हम बेचते हैं, यूसेज का मतलब हमें यूज़ नहीं करना, कितना हम बेच देते हैं, कितना हमारा कंजम्पशन हो जाता है, और इनटू में क्या कर देंगे मैक्सिमम टाइम। मान लो कि मैं 10 यूनिट से ज़्यादा नहीं बेचता और 6 दिन में, तो भाई 6 दिन का आपके पास स्टॉक होना चाहिए, तो 10 इनटू में 6 60 60 यूनिट जैसे ही आपके पास होगा कंज्यूम आप रीऑर्डर कर दोगे, यानी ये क्या है हमारा रीऑर्डर लेवल, जब हमें क्या करना है दोबारा से ऑर्डर करना है। तो फॉर्मूला क्या कहता है, मैक्सिमम यूसेज इनटू में मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम टाइम हमेशा गिवन होगा। अब टाइम देने का तरीका कैसा होगा, मान लेते हैं वीकली देता है वो, तो आपको वीकली देगा तो वो ऐसे देगा 4 और 6, तो इसका मतलब आपका 4 मिनिमम है और 6 मैक्सिमम है। और एवरेज अगर आपसे पूछा जाए, क्योंकि कहीं मैंने एवरेज भी यूज़ किया है, तो एवरेज कैसे निकालोगे, 6 और 4 10 और उसको डिवाइड किससे कर दोगे 2 से, जो कि आ जाएगा 5। तो हमें मिनिमम और मैक्सिमम और आपका एवरेज लेवल आप निकाल लोगे, नहीं तो कई बार वो एवरेज लेवल भी दे देगा आपको। अगला मैंने नोट बाद में देखेंगे, पहले ये वाला क्लियर हुआ, रीऑर्डर लेवल को किस नाम से जानेंगे, ROL। फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम, मैक्सिमम यूसेज इंटू में मैक्सिमम टाइम। अगला है मैक्सिमम लेवल, ये अलग चीज़ है। मैक्सिमम लेवल का मतलब इतना तो दुकान में सामान रखना, इससे ज़्यादा रखोगे तो आपका वेस्टेज हो जाएगा, दुकान में इससे ज़्यादा सामान रखोगे ना तो आपका क्या होगा, वो बेकार हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या कहता है मैक्सिमम का, मैक्सिमम का कहता है कि मैक्सिमम लेवल निकालने के लिए ROL। सर ROL क्या होता है अभी, यानी आपको ये नहीं आता तो आप ये नहीं निकाल सकते, प्लस ROQ। ROQ EOQ का ही दूसरा नाम क्या है हमारा, ROQ। सर ROL तो हम यहां से निकाल लेंगे, सर ROQ कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला जो हमने लास्ट क्लास में करे हैं, क्लियर है यहां तक बात। तो ये क्या कहता है, ROL प्लस में ROQ या EOQ बोल सकते हो, माइनस आपका मिनिमम यूसेज इनटू में मिनिमम टाइम। अब मिनिमम यूसेज कैसे होगा, आपको दे रखा होगा कि वीकली हम क्या करते हैं 4 6, तो आपको पता चल जाएगा 4 मिनिमम है।
कई बार ऐसा चांसेस है कि आपको मिनिमम ना दे, तो जब मिनिमम नहीं देगा ना, तो ऐसे सिचुएशन में नहीं मिनिमम तो मिलेगा इसमें देखेंगे, कई बार मिनिमम ना दे तो आप एवरेज से भी काम चला सकते हो, कई बार हो सकता है 1% चांसेस है, तो मैं बता रहा हूँ सेफ ऑन साइड। एग्जाम में मान लो मिनिमम है ही नहीं तो आप किससे काम चला लेना, वहाँ पे एवरेज से काम चलाया जा सकता है। वैसे आपको मिनिमम हर बार मिलेगा, मिनिमम यूसेज इंटू मिनिमम टाइम, किसका फार्मूला था ये, मैक्सिमम लेवल। क्या फार्मूला है मैक्सिमम लेवल में, आर ओ क्यू प्लस आर ओ एल, और माइनस कर देंगे मिनिमम इनटू मिनिमम, यानी मैक्सिमम में इतना याद रखना है मिनिमम मिनिमम चलेगा, मैक्सिमम में क्या चलेगा मिनिमम, और दोनों जोड़ने हैं कौन से, इससे पहले वाले जो सीखे हैं हमने, क्या क्या सीखा है इससे पहले, आर ओ एल सीखा है और ई ओ क्यू भी सीख लिया, अभी आर ओ एल सीखा है ना हमने, और ई ओ क्यू हम लास्ट क्लास में सीख चुके हैं, इन दोनों को जोड़ना है और माइनस क्या कर देंगे मिनिमम इनटू मिनिमम, ये किसका फॉर्मूला, बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आ जाएगा। इसके बाद है मिनिमम लेवल, इस लेवल से आप जब नीचे जाओगे ना तो हो सकता है शायद ग्राहक वापस चले जाए, ये क्या कहता है इससे ज़्यादा सामान मत रखना बेकार हो जाएगा, ये क्या कहता है इससे नीचे मत जाना नहीं तो कस्टमर क्या हो जाएगा आपका वापस। कैसे निकालेंगे, आर ओ एल रीऑर्डर लेवल, उसमें से माइनस करेंगे एवरेज यूसेज माइनस इनटू में एवरेज टाइम। अब एवरेज यूसेज अगर मैं आपसे पूछूं सिंपली कि मान लो मैंने वीकली बताया, मैंने 10 और 5 बताया, और मैंने यूसेज बताया आपको 15 और 10, तो बताइए आपका ये टाइम है, टाइम का एवरेज कैसे निकालोगे, 10 और 5 15 डिवाइडेड बाई 2 7.5 पॉइंट में आ सकता है, मैंने सिर्फ ऐसा इसलिए डिजिट लिया है, और ये क्या आ जाएगा 15 10 25 25 डिवाइडेड बाई 2 12.5, तो यहाँ लिखेंगे 7.5 12.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ में आई बात आपको। अगला है एवरेज लेवल, कितना हमेशा होना चाहिए, इतना तो रखो भाई कम से कम दुकान में, एवरेजली इतना तो आपके पास होना ही चाहिए, ना तो हम मैक्सिमम पे जा रहे हैं ना ही मिनिमम पे जा रहे हैं, एवरेजली इतना तो रहता है दुकान में। तो इसका फॉर्मूला क्या कहता है एवरेज लेवल का, मैंने नीचे लिखा है एवरेज लेवल इज इक्वल टू मिनिमम लेवल प्लस डिवाइडेड बाई 2, ना ज़्यादा ना कम, बराबर रहना चाहिए। इसका कई बार ना एक अलग से और फॉर्मूला है, कहता है कि मिनिमम लेवल प्लस में 1/2 ई ओ क्यू, यानी एवरेज लेवल को निकालने के दो फॉर्मूले हैं, क्या मिनिमम लेवल प्लस 1/2 ई ओ क्यू। सर इन दोनों फॉर्मूले में से कौन सा अप्लाई करना है, जो डेटा अवेलेबल होगा वही हम अप्लाई कर सकते हैं, और इन दोनों फॉर्मूले से हमेशा आंसर दोनों के अलग अलग होंगे, क्योंकि कई बार जनरली हमें पता होता है कि मेथड बदल दो तो आंसर थोड़ी बदल जाएगा, आंसर क्या रहेगा हमारा सेम, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे दोनों फॉर्मूला क्या करेगा आपको जो रिजल्ट देगा वो अलग अलग देगा। अब एग्जाम में मान लो दोनों डेटा अवेलेबल है, इसके हिसाब से भी कर सकते हैं और इसके हिसाब से भी कर सकते हैं, हो सकता है पॉसिबिलिटी ऐसा, तो हमें कौन से हिसाब से करना चाहिए उस केस में आपको दोनों के अकॉर्डिंग करके एग्जामिनर को आंसर देना पड़ेगा। क्लियर बात आपको, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एवरेज लेवल इन्वेंट्री में बोथ फार्मूला गेट डिफरेंट आंसर, यानी मैं इसी की बात बताना चाहता हूँ कि जो दोनों फार्मूला है ना इनके आंसर क्या होंगे, अलग अलग आएंगे, ठीक है। अगला है डेंजर लेवल, आपके सिलेबस में है नहीं लेकिन बाय चांस पूछ ले, डेंजर लेवल का मतलब कस्टमर वापस जा रहे हैं आपके, मिनिमम लेवल में तो एक बार को बच भी सकता है लेकिन डेंजर लेवल के अंदर आपके दुकान से कस्टमर क्या हो रहे हैं, वापसी जा रहे हैं। तो डेंजर लेवल का क्या फार्मूला है, डीएल मैंने लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में, एवरेज यूसेज जितना यूज करते हो इनटू में मैक्सिमम टाइम, जितना यूज करते हो और कितने टाइम में करते हो, अगर ये करोगे, और कई बार ना यहाँ पे आपको एग्जामिनर बोलेगा इमरजेंसी लीड टाइम, इमरजेंसी लीड टाइम का मतलब मैक्सिमम टाइम ही होता है, इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम है, इससे ज़्यादा आपको सोचना नहीं है, तो वो इमरजेंसी टाइम है, इसके आगे अगर आप गए तो आपका वहाँ पे क्या होगा, कस्टमर वापस चले जाएगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आने के लिए किस टाइप का आएगा, सबने नोट कर लिया ना, ये क्वेश्चन कैसा आ सकता है, आपको बोला जा सकता है सिंपल डेटा दे देगा एक तो, या मैं बुक का ही एक क्वेश्चन उठा के कर लेता हूँ सिंपल, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जैसे हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन किए थे ना, ऐसे दो तीन तरीके के इसमें भी कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो कर लेंगे, तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा क्लियर। आपके एग्जाम में थ्योरी भी आएगा, बताओ लेवल ऑफ इन्वेंट्री एक्सप्लेन, देन आपको एक्सप्लेन क्या करना होगा, जो मैंने अभी बातें बताई वो बातें आपके बुक में भी लिखी हुई है, मैं बता भी दूंगा, वही चीज़ें लिखना है, साथ के साथ फॉर्मूले को ही आपको वहाँ पे लिख के एक्सप्लेन करना होता है मेनली कॉस्टिंग के अंदर, ठीक है ना। तो चलिए कोई क्वेश्चन देखते हैं आपके बुक का, और सिंपल सिंपल से क्वेश्चन हम पहले स्टार्टिंग में कर लेते हैं, फिर जैसे जैसे हमें आगे बढ़ते जाएंगे
आपको फॉर्मूला वैसे प्रैक्टिस से ही याद हो पाएगा। आपके बुक में क्वेश्चन नंबर है, मैं पढ़ देता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग क्वेश्चन नंबर 3 है। प्रोग्राम की बुक दिखाओ एक बार, प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूँ मैं, इलस्ट्रेशन नहीं करेंगे हम, पहले प्रैक्टिकल करेंगे। एक बार दिखाओ प्रोग्राम, स्टार्टिंग में ही होगा, इसमें भी 3 या 4 होगा। और उसमें 2 है आपका प्रोग्राम के बुक में क्वेश्चन नंबर 2 और ऑनर्स के बुक में क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को करेंगे हम, पहले मैं इसे इरेज कर दूं क्योंकि मुझे क्वेश्चन करने के लिए स्पेस तो चाहिए। फार्मूला सबने नोट कर लिया ना, क्योंकि जब मैं पूछूंगा तो आपने फार्मूला देखना है कि क्या आप लाए होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपने आंसर देना है। तो चलिए इसे इरेज करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है पहले हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में कहता है इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट अ कंपनी 3 रॉ मटेरियल ए बी सी द फॉलोइंग अप्लाई। कहता है कि एक प्रोडक्ट बनाना है इसको, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो तो जरूरी नहीं है कि एक ही पार्ट लगे, उसके अंदर ना बड़े सारे पार्ट लग सकते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल सपोज करो मैं बात करता हूँ, सिंपल घर में अगर चाय वगैरह बनाते हो तो उसमें क्या क्या लगता है, दूध भी लगना है आपका, चीनी भी लगना है, चाय की पत्ती, तो ये तीनों क्या हो गए, कॉम्पोनेंट्स हो गए। सेम यहाँ पे एक प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट है उसको बनाने के लिए 3 कॉम्पोनेंट लग रहे हैं, ए भी और बी भी और सी भी। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एक कॉम्पोनेंट्स के लगने में कौन सा, एक प्रोडक्ट को बनाने में कौन सा कॉम्पोनेंट्स कैसा कितना लगे। ऐसा पॉसिबल है कि कोई कॉम्पोनेंट्स बना रहे हो आप, उसके अंदर ऐसा पॉसिबिलिटी है कि ए का 10 यूनिट लगे, और ऐसा पॉसिबिलिटी है बी का 20 यूनिट लगे, और ऐसा पॉसिबिलिटी है सी का 2 यूनिट लगे। ये तीनों यूनिट को जब लगाओगे तब जाके आपका एक यूनिट तैयार होगा। तो समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ किसी भी प्रोडक्ट को जब बनाओगे तो उसके अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स लगेंगे, तो हमें हर किसी के अकॉर्डिंग एक लेवल ऑफ इन्वेंट्री बताना पड़ेगा कि ए का कितना आपके ऑफिस में होना चाहिए, फैक्ट्री में होना चाहिए, बी का कितना होना चाहिए और सी का कितना होना चाहिए। अब मैं सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछता हूँ, देखते हैं कितने बच्चों को ये समझ में आ रहा है। मैंने पूछा कि 10, 20, 30 और मैं ना 500 यूनिट बनाने वाला हूँ, तो मुझे बताओ ए का कितने यूनिट लग जाएंगे। मैं 500 यूनिट बनाने वाला हूँ, तो अगर मैं 500 यूनिट बनाने वाला हूँ तो ए के कितने लगेंगे। एक यूनिट बनाने में ए के 10 कंपोनेंट्स खत्म होते हैं, और आपको 500 यूनिट बनाने, तो 5000 हो जाएंगे ना। नहीं समझे, मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप एक प्रोडक्ट बनाओगे, मान लेते हैं एक यूनिट बन के तैयार हुआ, इस यूनिट को बनाने में एक यूनिट बन के तैयार हुआ, इस यूनिट को बनाने में 10 कंपोनेंट्स इसके लगेंगे, 20 कंपोनेंट्स इसके लगेंगे और 2 कंपोनेंट्स इसके लगेंगे, तब जाके एक यूनिट तैयार होगा। और मैं बनाने कितने जा रहा हूँ, 500 यूनिट, तो ए के कितने मुझे इंतजाम करने पड़ेंगे और बी के कितने इंतजाम करने पड़ेंगे और सी के कितने इंतजाम करने पड़ेंगे। कैसे पता करा आपने, जितने यूनिट बनाने उसको हर कंपोनेंट से क्या करते गए, मल्टीप्लाई करते गए। समझ में आई ये बात, तो यही हमारा क्वेश्चन के अंदर यूज होने वाला है। तो चलिए देखते हैं, कुछ बच्चों का जिनका मैक्सिमम में डाउट है, अभी मैं जब करूंगा तो उसके अंदर क्लियर हो जाएगा मैक्सिमम का किस तरीके से रहेगा। तो कहता है कि 3 रॉ मटेरियल लगना है ए बी सी, और उसके अंदर क्या बनेगा, एक प्रोडक्ट बनेगा, मैन्युफैक्चर एक प्रोडक्ट करेगा, इट्स प्रोडक्ट जिसके अंदर यूसेज होना है 3 प्रोडक्ट ए बी सी। तो यहां लिख लेता हूं मैं क्वेश्चन भी, एक ए प्रोडक्ट है, एक बी प्रोडक्ट है, सॉरी ए बी सी 3 कंपोनेंट्स है। पहले कहता है यूसेज पर यूनिट प्रोडक्ट, कहता है कि ए के 10 यूनिट, बी के 4 और सी के 6 यूनिट लगेंगे। रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर क्वांटिटी किसे बोलते हैं जरा बताओगे मुझे, ई ओ क्यू को ही बोलते हैं। किसको बोलते हैं, ई ओ क्यू को। तो वो दे रखा है ऑलरेडी, अब हमें यहाँ निकालने की जरूरत है क्या, नहीं है। अगर दे रखा है तो हमें नहीं निकालना, अगर नहीं देता तो हमें निकालना पड़ता उस फॉर्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। अब देता है आपको रेट, ये पैसे में रेट गिवन है, तो हम देखेंगे इसका क्या करना है। अब टाइम दे रहा है, देखो 1, 3, 3, 5, तो पहले वाले कंपोनेंट्स में मिनिमम टाइम क्या है और मैक्सिमम टाइम और एवरेज टाइम
टू आएगा। समझ में आया? आप सभी के पास क्वेश्चन है तो आप देख सकते हो। इसके बाद कहता है ऑर्डर लेवल। ऑर्डर लेवल का मतलब रीऑर्डर लेवल, ठीक है ना, पूरा नहीं लिखा इन्होंने। ऑर्डर लेवल का मतलब क्या है यहाँ पे? तो दो का दे रखा है, एक का नहीं दे रखा आपको। आगे कहता है मिनिमम लेवल, दो का नहीं दिया और एक का दे रखा है। कहता है वीकली प्रोडक्शन वेरियस, कहता है 175 225। अगर वीकली प्रोडक्शन की बात करें तो वीकली जो है ना हमारा कितने प्रोडक्शन होगा, 175 यूनिट बनाएंगे या फिर 200? तो आप यूनिट बनाएंगे। तो आप मुझे बताइए, आपको पहले दे रखा है यहाँ पे 10 4 6, यानी एक यूनिट को बनाने में 10 4 6। तो यहाँ पे यूसेज की बात करूँ तो मिनिमम क्या होगा और मैक्सिमम, ये कौन सा यूसेज है और ये कौन सा यूसेज है? मैक्सिमम। मिनिमम मैक्सिमम का यूज करेंगे ना हम फॉर्मूला जब लगाएंगे तो उसमें। अगर मैं बोलूँ चलो मिनिमम के हिसाब से बता दो कि ए का कितना यूनिट लगेगा, कितने लगेंगे? 1750, क्योंकि भाई आप 175 यूनिट बना रहे हो और ये जो सारा खर्चा होगा ना वो सिर्फ एक यूनिट में लगेगा। और मिनिमम कितने यूनिट बना रहे हो आप? 175। तो 10 इसके लग जाएंगे तो कितने निकाल लोगे? 1700। अब मैं बोलूँ अगर बी का बता दो तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 175 को इंटू में 4, और ऐसे सी को भी मल्टीप्लाई कर दोगे। समझ में आ रही है बात आपको? क्वेश्चन में आगे क्या कहता है, आपको फाइंड आउट क्या करना है, मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक ए, ए का मिनिमम लेवल बताइए, मैक्सिमम लेवल ऑफ स्टॉक बी, बी का मैक्सिमम बताइए, रीऑर्डर लेवल ऑफ सी, सी का रीऑर्डर लेवल बताइए, एवरेज लेवल ऑफ ए, ए का एवरेज लेवल बताना है। पहले क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए तभी मैं आंसर फटाफट कर पाऊंगा। अगर किसी को डाउट है क्वेश्चन पढ़ने में समझने में तो पूछ सकते हो। क्वेश्चन क्लियर है आपको? तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, मिनिमम मिनिमम लेवल किसका? ए का, ए का ना। तो फॉर्मूला क्या कहता है मिनिमम का? आर ओ, मिनिमम का बताओ फॉर्मूला, आर ओ एल माइनस में एवरेज यूज इनटू में एवरेज टाइम। मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं और साथ के साथ मैं करता भी जाऊंगा। चलो एक फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम, ये फर्स्ट पार्ट है आपके। तो मिनिमम लेवल में आर ओ एल, एवरेज यूसेज, एवरेज टाइम, चलिए ठीक है। अब आर ओ एल मिनिमम का क्या क्वेश्चन में गिवन है? चेक करिए, क्या क्वेश्चन में ए का आर ओ एल गिवन है? नहीं है तो निकालेंगे। तो देखिए आपको आर ओ एल ए का गिवन है, क्या है? 8000। अगर नहीं होता तो आर ओ एल निकालने का फॉर्मूला लिखा है, मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम लिखा है ना अभी आपने। इसके बाद आगे क्या करना है हमें, माइनस एवरेज यूसेज। किसका एवरेज यूसेज लोगे आप? ए का, क्योंकि जब पूछा ए का है तो मैक्सिमम यूसेज किसका लोगे आप? ए का, एवरेज यूसेज सॉरी। अब एवरेज यूनिट की अगर मैं बात करूं तो एवरेज यूनिट क्या आएगा? 175 225 400, यानी एवरेज यूसेज। अब 200 यूनिट बनाने हैं तो ए के कितने लगेंगे? 2000। तो यहां पर क्या लिखूं मैं? 2000 मल्टीप्लाई एवरेज टाइम। टाइम के अंदर आप देखो ए का क्या दे रखा है, 13, 1 और 3 है टाइम में, तो आप बताओ क्या आएगा? 2। कोई डाउट? तो अब आंसर क्या आ जाएगा, 8000 माइनस में 4000, फर्स्ट का आंसर हमारा आ गया क्या, 4000 यूनिट ऑफ ए का हमें रखना है। पहले बताइए इसमें कोई डाउट? मैंने लिंक ऑलरेडी भेज दिया है, ये लो मैं आपको दे देता हूँ। जिसको क्लियर नहीं है मैंने YouTube का लिंक अभी दे दिया है, ये लीजिए। किसी का क्वेरी था, राजा चौधरी, मैंने YouTube का लिंक दे दिया अभी, जैसे ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा आप सभी का 1-to-1 डाउट ले लूँगा। चलिए अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है क्वेश्चन में बताओ, क्या बोला दूसरा क्वेश्चन, पॉइंट नंबर टू क्या बोल रहा है? मैक्सिमम स्टॉक हो गया, मैक्सिमम यूसेज या मैक्सिमम लेवल कह लो आप ऑफ बी। चलिए मैक्सिमम लेवल ऑफ बी, फॉर्मूला पहले पता होना चाहिए। मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या था? दोनों जोड़ दो, क्या क्या? आर ओ एल प्लस
मैं ई ओ क्यू लिख दूं तो कोई गलत हो जाएगा क्या? ये नहीं होगा। और माइनस में क्या करेंगे? मिनिमम यूज इनटू मिनिमम टाइम, ये फॉर्मूला है। ये क्या बताता है हमें मैक्सिमम लेवल? कि इससे ज़्यादा सामान आपने स्टॉक में नहीं रखना है। अगर इससे ज़्यादा रखोगे तो आपका क्या हो जाएगा? वेस्टेज, नुकसान हो जाएगा। समझ में आई बात? अब हम बी वाले पार्ट को देखेंगे। क्या बी के अंदर आर ओ एल दे रखा है? चेक करते हैं बुक में, आपके पास चेक करिए, क्या बी के अंदर आर ओ एल दे रखा है? जी, बी के अंदर आर ओ एल दे रखा है। कितने? 4750, 4750 प्लस। क्या ई ओ क्यू हमें पता है बी के? बिल्कुल। ई ओ क्यू कहाँ है? री ऑर्डर क्वांटिटी। कितने है हमारा? 5000। चलिए अब मिनिमम यूसेज की बात करते हैं। मिनिमम यूसेज में क्या है? 175। तो मिनिमम यूसेज अगर मैं बी की बात कर रहा हूँ तो मल्टीप्लाई किससे हो जाना चाहिए? 4 से। तो क्या होगा मिनिमम यूसेज 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए? 700। और मिनिमम टाइम, बी का टाइम बताइए कितना है? बी का टाइम क्या दे रखा है? 3-5 दे रखा है यहाँ पे, 3-5। तो मिनिमम क्या है? 3-4। कौन बोल रहा है? 4 तो एवरेज होगा ना, आपको मिनिमम लेना है। अब चलिए हम मल्टीप्लाई प्लस कर लेते हैं जो भी है। 9750 माइनस में 2100 क्या आया बताइए फटाफट? कितने? 7650। कोई डाउट? सेकेंड पॉइंट भी क्लियर है? एग्जाम में इसी टाइप के एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपके 7.5-10 नंबर का जो भी बने, ठीक है ना? बताइए किसी को डाउट है तो इसके अंदर जो मैं करवा रहा हूं इसके अंदर पूछिए अभी डाउट पहले। क्लियर है? अगला पॉइंट कहता है रीऑर्डर लेवल ऑफ थर्ड पार्ट। अब किसी को 700 समझ में नहीं आया हो तो मैं बता दूं, बनाना मिनिमम 175 है, उसके लिए लिख रहा हूं मैं 175 इंटू में 4 बी का, ठीक है? अब कहते हैं रीऑर्डर लेवल ऑफ सी, यानी मैं शॉर्ट फॉर्म में इसको आर ओ एल लिख देता हूं। आर ओ एल का फॉर्मूला क्या है? मैक्सिमम यूज इनटू मैक्सिमम, इसको टाइम बोल लो, और कई बार टाइम को ना मैक्सिमम लीड भी बोल देते हैं। एग्जामिनर बोल सकता है कि मैक्सिमम लीड ही है, तो आप कंफ्यूज मत हो ना, जब लीड बोले तो उसका मतलब क्या है? टाइम ही है। अब मैक्सिमम यूसेज ढूंढते हैं, मैक्सिमम कितना यूसेज हो सकता है? किसका पूछा आर ओ एल लेवल इसने? सी का। तो सी का 6 है, सी का 6 है, तो मैक्सिमम कितना जाएगा? 225 मल्टीप्लाई बाई 6, तो क्या आ गया? 1350। और ऐसे ही मैक्सिमम टाइम देखेंगे तो सी का मैक्सिमम टाइम क्या दे रखा है? ये दे रखा है इसने 2 और 4, तो 2-2-4 यानी 4। अब देखते हैं मल्टीप्लाई करके क्या आता है, बताइए क्या आ रहा है? 50 400। कोई डाउट? हम 3 क्वेश्चन डन कर चुके हैं जो एग्जामिनर ने पूछा है। क्लियर है यहां तक? अगले पॉइंट पे चलें। एवरेज स्टॉक लेवल ऑफ ए, एवरेज स्टॉक लेवल ऑफ ए, अगर मैं ए की एवरेज स्टॉक लेवल की अगर मैं बात करता हूं तो ए का मुझे मिनिमम भी पता होना चाहिए और ए का मुझे मैक्सिमम भी पता होना जरूरी है। जबकि हमें ए का मिनिमम लेवल तो पता है, क्या क्वेश्चन में ए का देखो, क्योंकि एवरेज लेवल का फॉर्मूला क्या होता है? पॉइंट नंबर 4 कर रहा हूं, एवरेज लेवल का फॉर्मूला बताइए, मिनिमम लेवल। कुछ बच्चे पता है यूसेज वगैरह सोच लेते हैं, लेवल है, लेवल का मतलब जो पूरा निकाला है, प्लस में मैक्सिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2। एक और फॉर्मूला है, हम दोनों से करके देख लेंगे इसको, है ना? तो पहले इससे निपट लेते हैं। तो ए का मिनिमम लेवल तो पता है हमें, जो कि ये निकाला है 4000 मिनिमम लेवल। अब ढूंढ लेते हैं, क्या पता एग्जामिनर ने ए का मैक्सिमम भी दे दिया हो तो काम क्या हो जाएगा हमारा आसान। तो दे रखा है क्या मैक्सिमम लेवल ए का? नहीं दे रखा, तब तो ए का हमें क्या निकालना पड़ेगा? मैक्सिमम तो निकालना ही निकालना पड़ेगा, किसका? ए का। चलिए अब भाई ए का, यानी इस क्वेश्चन को करने के लिए ए का मैक्सिमम लेवल चाहिए। एक दूसरा तरीका भी है फॉर्मूला का, जहां पे हमें चाहिए मिनिमम लेवल 1/2 इंटू में ईओ क्यू, वो तो निकाल सकते हैं। और वाला तो एक तो यहां से आंसर निकाल सकते हो, जैसे कि आपका मिनिमम लेवल क्या है हमारा? 4000।
इनटू में 1/2 और ईओक्यू तो पता है इसका, इसका ईओक्यू क्या है बताओ, ईओक्यू क्या दे रखा है, ये आरओएल है, ईओक्यू रीऑर्डर क्वांटिटी कितने, तो एक तो जवाब ये निकल के आएगा, ये फॉर्मूला अलग है मैं लिख देता हूँ, चाहे मैं पहले फॉर्मूला लिख दूँ क्या, एक और वाला फॉर्मूला क्या कहता है जी, और वाला फॉर्मूला कहता है मिनिमम लेवल ले लो आप और प्लस कर दो 1/2 और आर ओ एल बोल लो, या फिर आर ओ क्यू बोल लो या ई ओ क्यू बोल लो। तो मिनिमम जी हमने यहाँ से फाइंड किया है जो कि है 4000 प्लस 1/2 इनटू में 10000 बताया, तो जवाब निकल के आया, एक तो ये जवाब आ गया। सर एक और आंसर कैसे निकालेंगे इसका दूसरा, हमें क्योंकि चाहिए यहाँ पे मैक्सिमम, तो मैक्सिमम लेवल किसका निकालने जा रहे हैं, मैक्सिमम लेवल ऑफ ए, फॉर्मूला क्या कहता है, आर ओ एल प्लस ई ओ क्यू या आर ओ क्यू माइनस मिनिमम इनटू मिनिमम। अब मैंने मिनिमम मिनिमम लिख दिया तो समझ जाना एक यूसेज है और एक टाइम है, सिंपल सी बात है। तो चलिए आर ओ एल बताइए क्या है हमारा 8000, ई ओ क्यू बताइए इसका ए का क्या है 10000, माइनस मिनिमम क्या था इसका, अगर हम देखें 1/3 चल रहा है इसका और मिनिमम तो 1750 और इनटू में 1750 के बाद हमारा टाइम क्या है मिनिमम 1, तो देखते हैं ये क्या आ जाएगा 18000 माइनस 1750, तो जवाब क्या है 18000 माइनस 1750 करिए कितने 16250। तो देखिए ये भी एवरेज, ये अभी तो नहीं निकला एवरेज, रुक जाइए मैं ये वाला फॉर्मूला अब इसके बाद लगेगा एवरेज लेवल का, एवरेज लेवल का फॉर्मूला, एवरेज लेवल का मिनिमम लेवल जो कि निकाल रखा है हमने और प्लस 16200 डिवाइडेड बाय कितने हो गए 20250 यानी 10 125। तो देखिए इसका आंसर आया 9 और इसका आंसर आया 10, आसपास भी नहीं है कहीं, सोचो सर पॉइंट का फर्क आएगा क्या, नहीं बिल्कुल डिफरेंट आएगा ठीक है। तो हमने जो फोर्थ पॉइंट था ना उसके दो आंसर्स दिए हैं, अगर हमारे पास पॉसिबिलिटी है तो आप एग्जाम में दोनों निकाल के आ जाए, अदरवाइज क्या होगा कि एग्जामिनर के पास अगर ये वाले अकॉर्डिंग आंसर है तो इसके अकॉर्डिंग वो देखेगा और ये वाला आंसर है तो इसके अकॉर्डिंग, कहीं स्पेसिफिक नहीं किया जाता कि फर्स्ट मेथड कौन सा है सेकंड मेथड, अगर ये बोलता तो हमारी समस्या सॉल्व हो सकती थी। चलिए अब देखिए इसको नोट करिए, आंसर भी आपके बुक में गिवन होगा, देखिए टैली भी करिए आंसर को आप, हो गया टैली। अब बताइए मिनिमम एवरेज वाले का दोनों आंसर एक है, दो है तो मैंने भी दो कर दिया। अब जिनके डाउट्स हैं इस क्वेश्चन के अंदर वो पूछिए, फिर एक और क्वेश्चन ट्राई करेंगे। चलिए करते हैं, पहला पूछा है रीऑर्डर लेवल, फर्स्ट पॉइंट रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या होता है रजिस्टर में देखिए, मैक्सिमम इनटू मैक्सिमम, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 × 600, पहले का आंसर 4800, ये हर एक किसी का सेम होना चाहिए, किसी को डाउट। सेकंड पार्ट पूछा गया है आपका मिनिमम लेवल, मिनिमम का फॉर्मूला क्या होता है आर ओ, आर ओ एल या आर ओ क्यू, माइनस एवरेज इनटू एवरेज। अब कई बार क्वेश्चन में देखना, जैसे यहां पे नॉर्मल दे रखा है ना, इसके आंसर दो हो सकते हैं, ध्यान देना इसके आंसर दो हो सकते हैं। अगर मैं इसका आंसर निकालता हूं, आर ओ एल क्या दे रखा है क्वेश्चन में, निकाल रखा है 4800, एवरेज क्या है हमारा, जब एवरेज निकालेंगे तो 350 और एवरेज टाइम निकालेंगे तो 8 × 4 = 12 इनटू में, तो यहाँ पे आंसर क्या आया बताओ 2700, ये आंसर भी 100% करेक्ट है। एक और इसका आंसर हो सकता है, हम एवरेज की जगह पे प्रायोरिटी नॉर्मल को भी दिया जा सकता है, ध्यान रखना आप इस बात को, चाहे ईओक्यू निकालना हो, चाहे आपका निकालना हो लेवल ऑफ इन्वेंट्री, उस केस में अगर आपको एवरेज और एनुअल दोनों मिले ना, एवरेज एनुअल या नॉर्मल, तो आपने प्रायोरिटी पे नॉर्मल रख के निकाल सकते हो, बाकी ये भी गलत नहीं है, ये भी ठीक है।
नॉर्मल यूसेज इज एवरेज क्या होता है? देखो ईओक्यू भी निकालने को अलग से आ सकता है, यहाँ पे ईओक्यू का तो है नहीं, चाहे आपका ईओक्यू वाले क्वेश्चंस में आ जाए तब भी आप नॉर्मल से निकालना है, चाहे आपका मिनिमम लेवल वाले में, मैक्सिमम में तो है ही नहीं, सिर्फ मिनिमम वाले में है ना ये। नॉर्मल का मतलब नॉर्मली एवरेज का ही एक तरीके से है ना कि नॉर्मली इतना यूज़ करते हैं। जैसे आपका मान लो आप जॉब करते हो, जॉब करने के बाद आप डेली किसी दिन 50 कमा रहे हो, किसी दिन 100 कमा रहे हो, किसी दिन 300, तो आप पूरी डिटेल तो 10 दिन की मुझे नहीं दे सकते ना, आप बोलते हो भाई इतना हो जाता है नॉर्मली, तो वो एवरेज का एक तरीके से पार्ट है, लेकिन एग्जामिनर कन्फ्यूज़ करने के लिए देता है। यानी इसका एक सेकेंडरी आंसर अगर आप देखो जो कि आपके बुक में भी मिल जाएगा, वो क्या है 4800 माइनस नॉर्मल क्या है 300 इनटू में एवरेज 6, तो ये आ जाएगा कितने 18 3000। ठीक है, आ जाते हैं मैक्सिमम पे, पॉइंट नंबर 3। मैक्सिमम लेवल में क्या फॉर्मूला बनता है? मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, सबसे पहले आर ओ क्यू ई ओ क्यू, तो हमें आर ओ क्यू प्लस आर ओ एल माइनस में मिनिमम इनटू में मिनिमम। तो चलिए आर ओ एल तो निकाल रखा है, लेकिन आर ओ क्यू क्या क्वेश्चन में दे रखा है? नहीं दे रखा। आर ओ क्यू कैसे निकलेगा हमारा? ई ओ क्यू इज इक्वल टू 2AO डिवाइडेड बाई सी, इट मीन्स निकलेगा ये 2 मल्टीप्लाई एनुअल डिमांड क्या है 3600। ऑर्डरिंग कॉस्ट दे रखा है क्वेश्चन में आपको 400 डिवाइडेड बाई कैरिंग कॉस्ट कहता है 5%, किसका निकालोगे? रेट का 3 पॉइंट, बताइए क्या आता है सॉल्व करने के बाद, क्या आ रहा है सॉल्व करने के बाद? 948। हर किसी का यही आ रहा है यहाँ पे थोड़ा सा, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैं समझा दूंगा कहाँ मिसप्रिंट है बुक के अंदर। बुक के अंदर मिसप्रिंट ये है कि ये ना आपका 5% है ना यहाँ पे, ना बुक कहाँ गया, चलो मैं पहले अपने हिसाब से तो कर लेते हैं, फिर जो एरर है उसको हम करेक्ट कर लेंगे। मैक्सिमम का फॉर्मूला लगाइए, मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या लगेगा? आर ओ एल 4800 प्लस 948 माइनस में मिनिमम क्या है बताइए, इनटू में मिनिमम, ये आ जाएगा प्लस 948 माइनस में 400 5348। ठीक है, अगला कौन सा क्या पूछा है इसने? एवरेज। एवरेज का फॉर्मूला क्या है? मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2। मिनिमम क्या निकाला आपने? मिनिमम निकाला जी आपने, दो आंसर है, तो मैं इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों ने ये किया है तो मैं ये कर रहा हूँ, ये दूसरा अपने आप खुद कर लोगे आप, 2700। मैक्सिमम क्या है आपका? डिवाइडेड बाय 2700 प्लस 5348, ये आ गया 4024। दूसरा फॉर्मूले के हिसाब से अगर निकाला जाए तो एवरेज लेवल क्या होगा आपका? कैसे निकालते हैं हमारा मिनिमम लेवल? मिनिमम लेवल क्या निकल लिया मैंने? 2700 प्लस 1/2 ईओक्यू। ईओक्यू क्या निकाल रखा है हमने? 948। 2700 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2700, ये आ गया 3174। ये तो जो मैंने बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा है उसके अकॉर्डिंग आंसर, लेकिन ये आपके बुक में भी क्वेश्चन है, बुक में बच्चे देख रहे हैं तो आंसर क्या हो रहा है? मैच नहीं हो रहा। तो फिर बच्चे पूछते हैं सर हमारा आंसर मैच क्यों नहीं हो रहा? ये वाला तो जस्टिफाई कर पा रहे हैं, बाकी क्यों नहीं हो रहा मैच? बाकी तो हो जाना चाहिए। तो उसका जवाब है बुक के अंदर ये वाला पॉइंट मिसप्रिंट है, बुक के अंदर ये पॉइंट मिसप्रिंट है। एक बार ई ओ क्यू आप निकालना 6.4 लेके, एक मिनट मुझे बुक दिखा दो मैं बता देता हूँ। यहाँ तक मैंने देखो जो बच्चे देख रहे हैं जिनके बुक में क्वेश्चन है उनको तो मतलब ही नहीं है, जो कराए सही कॉन्सेप्ट किया कर लिया हमने सॉल्व, ठीक है।
ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, लेकिन फिर भी प्रोग्राम की बुक में ही क्वेश्चन है। कुछ बच्चे कह सकते हैं बुक से क्यों नहीं मैच हो रहा, तो उसके लिए मैं क्वेश्चन में करेक्शन कहाँ पे लगना है मैं बता देता हूँ। उसके लिए क्वेश्चन में करेक्शन लगना है हमारा, हमारा मैक्सिमम लेवल क्या आया है, मैक्सिमम लेवल आया है 53-48, इनका मैक्सिमम लेवल क्या है 3 के, यहाँ पे या तो 640 है या 6.4 है। छः सौ चालीस से देख लेते हैं, चलो ये कुछ ना मिसप्रिंट है इतना मुझे पता है इस क्वेश्चन में, लेकिन हर बार हाँ ये आएगा 640। देखो मैंने जो क्वेश्चन दिया उसके हिसाब से जो आंसर किया 100% एक्यूरेट है, इसमें दिमाग ना लगाए। अब कुछ बच्चे जो बुक से वेरीफाई कर रहे हैं, तो बुक के अंदर जो ये 64 लिखा है ना ये गलत है मिसप्रिंट, इसकी जगह पे आप जब 640 लोगे ना तो फिर आपका आंसर बिल्कुल बुक से टैली हो जाएगा, आप उसको निकाल के दे सकते हो, क्योंकि 300 आएगा ईओक्यू और 300 और आप फिर उसके अकॉर्डिंग करते जाओगे, जैसे कि मैंने कर लिया 4800 प्लस 300 और माइनस में कितने 400, तो ये देखो 4700 हमारा किसका आ रहा है मिनिमम मैक्सिमम का, और बुक में भी मैक्सिमम कितना है हमारा 4700 मैच हो गया, तो वो मिसप्रिंट है, इसके अंदर मैं कुछ नहीं कर सकता। तो बाकी आपने जो सीखा है वो बिल्कुल ठीक सीखा है, जो बच्चे सिर्फ बोर्ड से कर रहे हैं वो सारा यही आंसर नोट करें, और जिन्होंने करा भी है वो रजिस्टर में इसी के अकॉर्डिंग टैली करें। जो बोलते हैं सर बुक वाला भी एक बार हम टैली करना चाहते हैं, वो अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें और उसके अकॉर्डिंग कर लें। चलिए अब किसी का डाउट है तो पूछिए। इसमें 350 कैसे आया, 350 मैंने एवरेज लिया हुआ है, एवरेज कैसे निकालेंगे हम मिनिमम प्लस मैक्सिमम, 600 प्लस में 100 डिवाइडेड बाय, थर्ड का आंसर क्या है, थर्ड का आंसर ये रहा। यह जंक्शन है 2.6, फाइंड आउट रीऑर्डर क्वांटिटी 2.6 प्रोग्राम में है, आर ओ क्यू निकालना है 70 से 100 यूनिट दे रखा है कंजम्पशन, यूज दे रखा है आपको, मैक्सिमम 810 यूनिट निकालिए। देखिए यहां पे मैक्सिमम लेवल दे रखा है तो मैक्सिमम का फॉर्मूला ओपन करिए, यही फॉर्मूला है, अब पुट करते जाइए। मैक्सिमम क्या है 810, ROL क्वेश्चन में दे रखा है नहीं दे रखा, कैसे निकाल सकते हैं कि ROL, ROL होता है मैक्सिमम इनटू मैक्सिमम, मैक्सिमम क्या है हमारा 100 × 6 = 600, EOQ नहीं पता, क्वेश्चन मार्क माइनस, मिनिमम पता है हमें 70, मिनिमम पता है हमें 2, सॉल्व करते हैं कितने हो गए 140, 600 में से 140 माइनस कर दोगे तो क्या आएगा 400 प्लस ईओक्यू रह गया ये, अब इसको इधर सॉल्व कर दो 810, ईओक्यू निकालना है अगर हमें तो 810 माइनस में 400 क्या आंसर आ गया, इसका आंसर है हमारा 350। यहाँ पे ना तो हमें ऑर्डर देखो कुछ बच्चे यहाँ पे ये भी सोच सकते हैं सर ईओक्यू पूछा है तो कैरिंग कॉस्ट भी पता होना चाहिए, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी पता होना चाहिए, तो वो ज़रूरी नहीं है क्योंकि आप इस फॉर्मेट में भी फाइंड कर सकते हो। अब कुछ क्वेश्चन मैं टिक करवा रहा हूँ वो लिखना, पहले प्रोग्राम वाले बच्चे लिखेंगे, टू पॉइंट सिक्स मैंने करवा दिया, 2.7 लिखते जाए मैं फटाफट बोलता जाता हूँ, 2.7, 2.8, 2.9,
2.10, 2.11, 2.13, जो पॉइंट में बोल रहा जा रहा है ये इलस्ट्रेशन है। अब आ जाते हैं प्रैक्टिकल पे, प्रैक्टिकल 14, 15 ये सारे जो मैंने कल से लेके आज तक टॉपिक किए हैं उसके सारे क्वेश्चन है। अब ऑनर्स वाले बच्चे आ जाओ, ऑनर्स के अंदर आपका 2.7, ऑनर्स वाले बच्चों को बता रहा हूं मैं, 2.10, 2.10। अब आ जाते हैं प्रैक्टिकल पे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, ये ऑनर्स का बता रहा हूँ मैं, 16, 17, 18, 19, यानी मैंने, आप ध्यान से सुनो, मैंने इस चैप्टर को ना कितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, मैंने इस चैप्टर को तीन पार्ट में डिवाइड किया था। एक था हमारा जिसमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी लिखा था, एक लिखा था मैंने आपका स्टोर लेज़र, और एक था थ्योरी का पोर्शन, जिसमें से फर्स्ट वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन भी दे दिए हैं। जो डाउट होगा वो अगली क्लास में लेंगे, अगर डाउट नहीं हुआ तो अगले स्टेप पे आ जाएंगे, क्या है हमारा स्टोर लेजर, जिसके अंदर हम लीफो फीफो देखेंगे, ठीक है।